आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। जी हाँ, पहली सी सूरत ना सही, मगर शुक्र है मोदी जी आप इंटरव्यू तक तो पहुंचे। मन की बात ना सही, लोगों के सवालों के जवाब तो दिए। आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा और हम आपके सामने न्यूज चक्र के स्पेशल एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू का सबसे बड़ा पोस्टमार्टम पेश कर रहे हैं, क्योंकि जितने सवालों का जवाब प्रधानमंत्री ने दिए उससे ज्यादा तो उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं, और मुद्दों को किस सुविधाजनक अंदाज से उन्होंने जवाब दिया उसे भी आपके सामने रखना बेहद जरूरी है। आगाज करते हैं हम उनके इंटरव्यू के इस बड़ी बात से, और हम आपको बताना चाहेंगे कि काउ लिंचिंग के ऊपर, यानी कि गौ रक्षा से जुड़ी जो लिंचिंग हो रही है उस पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा और उस पर हमारा टेक। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके एक पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। जब एक सुबोध कुमार सिंह नाम का पुलिस ऑफिसर मारा जाता है तो इनका बयान ये आता है कि पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि गाय को किसने मारा, बाद में सुबोध कुमार सिंह की हत्या की जांच होगी। तो मुझे आप बताइए, ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि काउ लिंचिंग को लेकर पहली नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है, उस भीड़ की या उन तमाम जिम्मेदार मुख्यमंत्रियों की, बीजेपी की, उन नेताओं की जो लगातार इस मुद्दे पर गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। आपके बुलंदशहर के सांसद जो हैं वो आरोपियों के साथ खड़े दिखाई दिए थे। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अब से कुछ ही दिनों पहले बुलंदशहर से आपके एक विधायक ने कहा कि सुबोध कुमार सिंह ने खुद को गोली मार दी। यह है काउ लिंचिंग को लेकर आपके नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि अखलाक को किस तरह से मारा गया था। एक मंदिर के स्पीकर पर इस बात का ऐलान किया गया था और उसके बाद अखलाक को मौत के घाट उतार दिया गया था। यह तो तालिबान शासित देशों में होता है। और पहलू खान किस तरह से खुले में भीड़ ने उसे मार दिया, क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है कि अब तक पहलू खान की हत्या में एक भी शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ है? क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है कि उसके परिवार के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया गया? और यह शंभूलाल रेगर, जिसने एक बेकसूर बांग्लाभाषी श्रमिक को जिंदा जला दिया, वो जेल गया और जेल से वो बाकायदा राष्ट्र के नाम संदेश जारी कर रहा है। न सिर्फ राष्ट्र के नाम संदेश जारी कर रहा है बल्कि कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन उसके पक्ष में रैलीज निकाल रहे थे। ये तो बहुत अजीबोगरीब बात है मोदी जी। ऐसा तो पाकिस्तान में होता है जहां सलमान तासीर की हत्या होती है और उसके हत्यारे के पक्ष में हाईकोर्ट के तमाम वकील जो है सड़कों पर उतर आते हैं। तो मुझे बताइए, काउ लिंचिंग से और उसके बाद जो नफरत का माहौल, नफरत की आंधी जो इस वक्त देश में, उसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री के इंटरव्यू का दूसरा पहलू, सबरीमला और ट्रिपल तलाक में दोहरे मापदंड। प्रधानमंत्री कहते हैं, क्या कहते हैं, कि ट्रिपल तलाक जो है वो एक धार्मिक मुद्दा नहीं है और सबरीमला परंपरा से जुड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री, मैं आपको बता दूं कि अगर ट्रिपल तलाक जेंडर इक्वालिटी यानी कि महिलाओं की समानता से जुड़ा मुद्दा है तो सबरीमला भी उतना ही जेंडर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर सबरीमला धार्मिक मुद्दा है तो ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भी उतना ही धार्मिक मुद्दा है। और मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि जो कट्टर मौलवी हैं वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में सरकार के दखल को धर्म से दखल में जुड़ा मामला मान रहे हैं। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सबरीमला मामले में किस तरह से लोग सड़कों पर उतर आए थे, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी हुई थी, धज्जियां उड़ाई गई थी। और भूल जाइए इस भीड़ को, आपके अपने अध्यक्ष अमित शाह ने क्या कहा था कि सबरीमला जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट दखल ना दे, ये हैं एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार अध्यक्ष। तो मुझे बताइए कि अगर ट्रिपल तलाक महिला समानता से जुड़ा मुद्दा है तो सबरीमला क्यों नहीं, और आपके दोहरे मापदंड ऐसे में एक्सपोज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं राम मंदिर पर। राम मंदिर पर आपसे जब सवाल किया गया कि इस पर अध्यादेश क्यों ना लाया जाए तो आपने बहुत अच्छी बात कही मोदी जी। आपने बात कही कि भाई ट्रिपल तलाक पर भी हम तभी अध्यादेश लेकर आए जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, ये कहा ना आपने। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं
कि फिर आपके पार्टी के नेता इस तरह के बयानात क्यों देते हैं, आपकी कथनी और करनी में फर्क क्यों है मोदी जी? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तब आप ही के पार्टी के महासचिव राम माधव हमें 1992 की याद दिलाते हैं। गिरिराज सिंह जो हैं वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोलते हैं। यही हाल आपके यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है। और जब आपने ये कह दिया है कि पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए बाद में हम अध्यादेश लाएंगे, मगर अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते आते सालों लग गए फिर क्या? और मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर। मुझे बहुत ही अटपटी सी लगी है आरएसएस की प्रतिक्रिया, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस बयान का स्वागत आरएसएस ने किया है। दत्तात्रेय होसबले ने कहा है कि यह स्वागत योग्य बयान है। तो सवाल यह कि अगर मामला अदालत में अटक गया, क्योंकि आरएसएस तो कह रही थी कि आप तुरंत अध्यादेश लाइए, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह मुद्दा जो है प्रधानमंत्री आपके गले की फांस बन गया है, ना आपके लिए उगलते बन रहा है ना निगलते। क्या यह बात सही है या नहीं है? तो आइए अब हम रुक करते हैं अपने तीसरे मुद्दे का, नोटबंदी। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री ने कहा, क्या कहा, कि यह झटका नहीं था, हमने एक साल पहले लोगों को चेतावनी दे दी थी और उसके बाद यह तमाम मुद्दे हुए। मैं प्रधानमंत्री महोदय आपके इस अहंकार से सन्न हूं। आई एम स्पीचलेस प्रधानमंत्री। क्या आप भूल गए कि नोटबंदी के दौरान 120 लोग लाइनों में लग के मरे थे? और जिन लोगों को अपना कालाधन सफेद करवाना था, चाहे वो हाई प्रोफाइल वकील हों, एक्टर्स हों, बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, उन्होंने घर में बैठे बैठे अपने लाखों करोड़ों रुपए जो हैं वो सफेद करवा लिए। मरा तो आम इंसान लाइन में जाके मरा, छोटे छोटे बिजनेसेस बर्बाद हुए, किसान बर्बाद हुआ। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं? आप भूल गए होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मगर इस मजदूर के आंसू मैं नहीं भूला हूं, क्योंकि इनसे रूबरू मैं हुआ था जब लोग सफर कर रहे थे। खाने के लिए मर रहे हैं, पैसा लेने जाते हैं, मालिक हमको नहीं देता है, हम काम किए हुए हैं, साहब झूठ नहीं बोल रहे हैं, मम्मी का सब खा रहा हूं, हमको पैसा नहीं देना। इसके आंसू से न जाने हम खुद को कैसे दूर रख सकते हैं। अगला मुद्दा उनसे पूछा गया, विजय माल्या, ललित मोदी और नीरव चोकसी जैसे भगोड़ों के बारे में। तो प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि उन्हें भाग जाना पड़ा, पहले तो लूट चल रही थी मगर मेरे राज में आते ही उन्हें भाग जाना पड़ा। तो मेरा सवाल आपसे प्रधानमंत्री, उन्हें भागने किसने दिया, किसकी सरकार थी? और क्या आप इस बात से इत्तेफाक रख सकते हैं कि ललित मोदी के क्या ताल्लुकात फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे सिंधिया से थे? किस नेता की किस बेटी ने उनके फर्म में काम किया? क्या आप पीएल पुनिया के उस बयान को नजरअंदाज कर सकते हैं कि विजय माल्या अपने भागने के एक दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली से लंबी बातचीत कर रहे थे? तो देखिए, मैं इस मुद्दे पर आप पर उंगलियां नहीं उठा रहा हूं, मगर ये तमाम जो है ना, ये तमाम फैक्ट्स हैं, इन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते मोदी जी। लिहाजा अगर ये लोग भाग गए हैं तो ये आपकी उपलब्धि नहीं है, आप कटघरे में हैं कि आखिर ये भागे क्यों। अगला मुद्दा कि आपके अपने साथी आपको छोड़कर भाग क्यों रहे हैं? तो आपका क्या जवाब था मोदी जी? आपका जवाब था कि 2019 का चुनाव जनता वर्सेस महागठबंधन होगा। आप गलत हैं मोदी जी, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब अन्ना का आंदोलन हुआ था ना, तो जनता विपक्ष के साथ थी, क्योंकि विपक्ष जनता की उम्मीदों की नुमाइंदगी करता है, विपक्ष सरकार से सवाल करता है, जनता कभी विपक्ष के खिलाफ नहीं होगी। ये कोई टीवी चैनल्स नहीं है, टीवी चैनल्स 4.5 साल बाद भी जो हैं विपक्ष से ही सवाल पूछ रहे हैं, आपसे सवाल नहीं पूछते हैं। दिस इज नॉट अबाउट पीपल वर्सेस महागठबंधन, दिस इज अबाउट पीपल वर्सेस नरेंद्र मोदी, दिस इज अबाउट पीपल वर्सेस मोदी गवर्नमेंट। और आप इससे इत्तेफाक रखेंगे या ना रखें, मगर आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये मत भूलिए कि आपके अपने पुराने साथी, सालों से पुराने साथी शिवसेना के नेता अब राहुल गांधी की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, चौकीदार ही चोर है। आपने इस सवाल का जवाब भी नहीं दिया इंटरव्यू में। कुशवाहा, बिहार में आपके साथी वो आपको छोड़कर यूपीए के पास चले गए, अकाली दल आपके साथ रहेगी मगर वो बार बार आपको चेतावनी दे रही है, वो आपको ये भी कह रही है कि आप शायद 160 सीटों से पार ना कर पाए। ये तमाम चीजें दर्शाती हैं मोदी जी, ये जनता वर्सेस महागठबंधन नहीं है,
ये जनता की उम्मीदें उनका पूरा ना होना और आपको कटघरे में रखने की बात है। भ्रष्टाचार की बात करें, आपने कहा कि कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो उन्हें बचाने में लगा हुआ है। राहुल गांधी से तल्ख सवाल नहीं किए जाते। प्रधानमंत्री जी, देखिए जो पत्रकार आपसे सवाल करते हैं ना, अब आप इस चीज को लेकर अभ्यस्त हो जाइए कि डेमोक्रेसी में जो सत्ता में बैठा है उससे सवाल जरूर होगा। और रही बात आपकी इसकी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीडिया ने रफाल को किस तरह से कवर किया और इस वक्त क्रिश्चियन मिशेल जो बयान दे रहे हैं ईडी के सामने उसे किस तरह से कवर कर रहा है। क्रिश्चियन मिशेल ने मिसेस गांधी का नाम लिया ना लिया, किस कॉन्टेक्स्ट में लिया, और उसके बाद इटालियन के बेटे का नाम लिया, किस कॉन्टेक्स्ट में लिया या ना लिया, आपसे जब खुद ये सवाल पूछा गया इंटरव्यू में, तो आपने कहा साहब मीडिया में आया है इसलिए मैं उस पर कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। मगर आपके अपने अध्यक्ष अमित शाह कह रहे हैं कि दुनिया जानती है कि मिशेल और सोनिया गांधी में क्या ताल्लुकात, और मीडिया इस पर लगातार डिबेट कर रहा है। वो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो ईडी लीक कर रहा है, ईडी जो आपका राजनीतिक हथियार है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, रफाल वाले मुद्दे पर मीडिया ने उसी वक्त और वैसे ही कवर किया जैसा आप चाहते थे। मीडिया ने रफाल के मुद्दे पर आपसे सवाल भी ढंग से नहीं किए, क्या आप इससे नजरअंदाज कर सकते हैं? अब अगले मुद्दे की बात करते हैं। आरोप यह था कि राजनीति अब बीजेपी की अमित शाह और मोदी के इर्द गिर्द घूमती है। आपका जवाब क्या था? आपने कहा कि लोग यह नहीं जानते कि असली बीजेपी की क्या है। आपने क्या कहा, इट इज अबाउट मेरा बूथ सबसे मजबूत। मोदी जी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने पार्टी के सांसदों, उत्तर प्रदेश के सांसदों, 73 सांसदों 72 जितने भी रह गए अब, उनमें से सांसदों से जाके मिलिए और फिर वो आपको बताएंगे कि अमित शाह उनके साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं। ये सवाल आपको देश को बताने की जरूरत नहीं है, ये जवाब आपको अपने सांसदों को देने की जरूरत है कि अब अमित शाह के नेतृत्व में या आपकी छत्र छाया में बीजेपी की क्या हालत हो गई है। अगला है मुद्दा, जो सवाल पूछा गया कि मोदी राज में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। आपका जवाब यह था कि कांग्रेस हमें नसीहत ना दे। बिल्कुल सही कहा आपने मोदी जी, कांग्रेस को नसीहत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि इमरजेंसी के काल में इंदिरा गांधी के राज में क्या हालत थी इंस्टीट्यूशंस की, क्या हालत थी सुप्रीम कोर्ट की, क्या हालत थी मीडिया की। सवाल वो नहीं है, वो कांग्रेस 47 सीटों पर ला दी गई, और 47 सीटों पर लाने के बावजूद हाल ही में हुए 3 राज्यों के चुनावों में लोगों ने वापस कांग्रेस को सत्ता में रख दिया। मगर आप अपनी याददाश्त को खंगालें, सीबीआई में कभी ऐसा हुआ है कि नंबर 1 आलोक वर्मा नंबर 2 को गिरफ्तार करना चाहते हैं, यानी कि राकेश अस्थाना को, उनमें गैंग वॉर चल रहा है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि सीबीआई के एक ऑफिसर मनीष कुमार सिन्हा अजीत डोभाल पर हमला कर रहे हैं कि वो इस मामले को जो है गलत ढंग से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं? आरबीआई के मुद्दे पर आपने टिप्पणी की, आपने कहा उर्जित पटेल खुद अपने पर्सनल कारण से छुट्टी पे गए, मगर उनकी जो डेप्यूटी हैं विरल आचार्य ने कहा, उनके डेप्यूटी विरल आचार्य ने कहा कि जो सरकारें आरबीआई की स्वायत्तता की इज्जत नहीं करती उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने भी अपने काल में आरबीआई गवर्नर्स को बाहर भेजने का काम किया, उनके लिए ऐसे हालात बनाए कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, मगर वो तब था जब कांग्रेस ताकतवर थी, जब उसने संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल किया। आप मोदी जी, आप भी वही कर रहे हैं। फर्क यह है कि आज आपके इंस्टीट्यूशंस में चाहे रॉ हो, सीबीआई हो या फिर आरबीआई हो, इलेक्शन कमीशन देख लीजिए, यहां पर एक अराजकता वाली स्थिति है। क्या आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं? अगला सवाल आपसे पूछा गया कि आप रफाल पे खामोश क्यों हैं। आपने जवाब दिया कि यह मेरे खिलाफ व्यक्तिगत आरोप नहीं है। मोदी जी, ये आपके खिलाफ व्यक्तिगत आरोप है, और वो क्यों? क्योंकि रफाल का मामला ये साबित कर रहा है कि अनिल अंबानी के प्रति जो आपका मोह है उसके लिए तमाम उसूलों, तमाम नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। फ्रांसवा ओलान, जिनके साथ समझौता हुआ, उन्होंने क्या कहा था, फ्रांस की एक एजेंसी को हमारे हाथ में कुछ था ही नहीं, हम पर तो मोदी सरकार ने दबाव डाला कि तुम अनिल अंबानी को चुनो, ये फ्रांसवा ओलान के बयान है।
और इसके बाद भी डसॉल्ट जो कि पार्टनर था फ्रांस में, उसने क्या किया, उसने अनिल अंबानी की कंपनी के जो नुकसान में चल रही थी उसके लाखों शेयर खरीद लिए। क्यों खरीदे? क्योंकि भैया आप वहीं पर इन्वेस्ट करोगे ना जहां फायदा होगा, तो ये क्यों किया गया। इसके बाद ये भी कहा गया सीएनबीसी को इंटरव्यू में सीईओ डसॉल्ट के एरिक टैपियर ने कहा कि हमने रिलायंस को इसलिए चुना क्योंकि उनके पास जमीन थी। मोदी जी मैं आपको याद दिला दूं कि ये समझौता हुआ था अप्रैल 10 2015 को और अगस्त 2015 में 63 करोड़ में मिहान नागपुर में जमीन दी जाती है, यानी कि समझौते के बाद जमीन दी जाती है। तो मुझे बताइए आखिर एरिक टैपियर डसॉल्ट के सीईओ झूठ क्यों बोल रहे हैं? माफ कीजिएगा, झूठ नहीं, वो असंसदीय भाषा है, गलत बयानी क्यों कर रहे हैं बताइए। फिर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये आप पर व्यक्तिगत आरोप नहीं है तो फिर क्या है? आपसे सर्जिकल स्ट्राइक और सेना के बारे में सवाल किया गया, आपने कहा कि मैं सेना की नाक नहीं कटने दूंगा, उनका सिर नहीं झुकने दूंगा। कुछ लोग और विपक्ष कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। तो मोदी जी मैं आपका ध्यान तीन मुद्दों की तरफ खींचना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शक भी इस बात को सुने। पहली बात, आपकी सरकार के आने के बाद आखिर क्या वजह है कि जो आर्मी के तमाम कैंटोनमेंट्स हैं उसमें उन कैंटोनमेंट्स को सबके लिए खोल दिया गया, सब लोग आवाजाही कर सकते थे क्योंकि पहले ये एक्सक्लूसिव जोन्स हुआ करते थे, और ये बावजूद इसके कि पठानकोट में हमला हो चुका है पाकिस्तान द्वारा। इसके अलावा आर्मी कैंटीन होती है और वो कैंटीन किस लिए होती है कि आर्मी वालों को सस्ते दामों में कैंटीन के प्रोडक्ट्स मुहैया कराए जाएं। इस वक्त एक युद्ध चल रहा है आर्मी ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स के बीच, क्योंकि आपके जो डिफेंस मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आर्मी कैंटीन्स पर कब्जा करना चाहते हैं और उसे आम लोगों के लिए भी खोल देना चाहते हैं। तीसरी बात, क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि इस सरकार ने जो मुफ्त राशन आर्मी को मिल रहा था उसे खत्म कर दिया? ऑफिसर्स को अब भी नहीं मिल रहा, आपने रीथिंक करने के बाद सोल्जर्स को फिर से देना शुरू कर दिया, मगर आपने क्यों खत्म किया राशन? क्योंकि देखिए हमारी आर्मी में करप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि वो आम इंसान की जद्दोजहद से दूर है और ये एक अच्छी बात है, तभी वो अपना कर्म कर पाएगी। मगर आप उन्हें एक बार फिर उसी संघर्ष में डाल रहे हैं जिस संघर्ष में आम इंसान है या जिस संघर्ष में पुलिस है। तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आपके कार्यकाल में आर्मी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो सारा साक्षात्कार था, अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन होता है आई मी माई सेल्फ, मैं मेरा मुझे मैंने, ये सारी बातें वही थी। 2 करोड़ की नौकरियों को क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, ये तमाम मुद्दे, आप जेपीसी क्यों नहीं बना रहे रफाल पर, इन तमाम मुद्दों से वो दूर रहे। और मेरा जो एक मुद्दा आपसे है कि आपके कार्यकाल में नफरत को जिस तरह से जायज किया जा रहा है और आप प्रधानमंत्री अब्यूजिव गाली बकने वाले लोगों को ट्विटर पर क्यों फॉलो करते हैं जो महिलाओं को भी धमकियां देते हैं, बलात्कार की धमकियां देते हैं, गौरी लंकेश जैसी पत्रकार मारे जाते हैं तो उस पर जश्न मनाते हैं, आप ऐसे लोगों को ट्विटर पर फॉलो करते हैं और आपने कहीं ना कहीं इसके जरिए नफरत का अनुमोदन किया है, उसे जायज ठहराया है, उस पर ठप्पा लगाया है। तो न्यूज चक्र में इसी तरह से हम तमाम मुद्दे आपके सामने लाते रहेंगे और यही वजह थी कि आज हमने प्रधानमंत्री के इस बड़े इंटरव्यू का सबसे बड़ा पोस्टमार्टम आपके सामने पेश किया। मेरी आपसे अपील है कि आप इस इंटरव्यू को लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।